हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही है और क्या फिलहाल के लिए कंडीशन बनने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल कंडीशन हम देखें, नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है। हम आ गए फ्रेंड्स चार्ट पे। चार्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होता है डॉलर इंडेक्स के साथ में। डॉलर इंडेक्स को अगर देखते हो पूरे दिन एक रेंज की फॉर्मेशन में रहा है, सेकेंड हाफ में ही मोमेंटम इसमें होने के चांसेस बने हैं। और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो आज की जो ओपनिंग रही है, क्लोजिंग रही है, लगभग रेंज बॉन्ड ही रहा है। ये 103.15 के आसपास से लेके 23 तक इसमें मैक्सिमम टाइम बिताया। फिर अभी लास्ट के जो 3 आवर्स रहे हैं उसमें इसने थोड़ा मोमेंटम किया है हायर साइड के लिए, और उस समय जो स्पेशली सिल्वर है डाउन साइड का मोमेंटम सिल्वर में हुआ है। अब यहाँ के प्राइस पैटर्न अगर आप देखते हो तो ओवरऑल कंडीशन अभी जो बनी हुई है, यहाँ पे दो डेटा इम्पॉर्टेंट है। एक कल आएगा जो PPI डाटा है और उसमें CPI का डाटा है, दोनों इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करने वाले हैं किस तरह से उसका इनपुट रहने वाला है। तो उन सभी के बीच में अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो कंडीशन अभी यहाँ बनी हुई है, अगर ये कंटिन्यू इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि आपको 9 मई से को एंट्री हुई थी, उसके बाद में पूरे दिन बिताया है, उसके बाद में यहाँ पर अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर क्लोज कर ले जाता है, ये अच्छा सपोर्ट लेवल का काम करेगा यहाँ पे, तो अगर ये हायर साइड जाता है डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको कमोडिटी सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए आज का दिन काफ़ी बेटर रहा है इसके कंपेरिजन। जब भी ये रेंज बाउंड में रहे तो भी एक पॉजिटिव होप लेके चलते हैं सिल्वर और गोल्ड के लिए। अगर यहाँ पर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड अगर अब ओवरऑल कंडीशन आप देख रहे हो तो जो ओपनिंग होती है उसके बाद में धीरे धीरे करके हायर साइड में जो 2474 का लेवल है, ये यहाँ तक इसका अप्रोच बनाया है। इसका टॉप देखिए, प्रीवियस का टॉप देखिए, अप्रॉक्स सेम है, वहाँ से फिर गैप डाउन हो गया है। तो कंडीशन आपको वॉच करनी पड़ेगी, कैसे पैटर्न बन रहे, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस वजह से आपको लर्निंग में थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स जो बना रखा है ऑलरेडी 2450 का लेवल सपोर्ट लेवल बन गया है यहाँ पे, और हायर साइड में 2474 का रेंज फिलहाल इसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करने वाला है ये। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल कंडीशन देखते हो जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो जो गोल्ड के लिए 69,750 ये लेवल था, ये इसके लिए पहला सपोर्ट था। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये 800 होता हुआ 70,000 का अप्रोच करेगा, 70,000 के ऊपर भी ये निकला है। और अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं 172 का इसने हाई लगाया। अगर यहाँ का हाई अगर आप कंसीडर करते हो, इस यहाँ का हाई, यहाँ का टॉप, ये रेंज इसके लिए दोबारा 70,200 से लेके वजह 70,500 का रेंज है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट जोन का काम करने वाला है, जो कि 300 पॉइंट के अप्रॉक्स बना हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कंडीशन अगर वॉच कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके मार्केट को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट आपको कंसीडर करना है हमेशा रिस्क रिवार्ड में, जितनी आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी होगी उतना अच्छा आप यहाँ पर रिवार्ड कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ एक पॉजिटिव होप के साथ में मार्केट के लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल 69,600 के आसपास जो इसे क्लोज किया है, ये इस यहाँ से लेकर 69,000 के ऊपर, ये जो यहाँ पे 200 पॉइंट का रेंज इसने बना रखा है, तो 69,800 इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाला है। उसके बाद में फर्दर यहाँ पे हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ये मैं भी ऊपर ट्रेड करा तो ऐसा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं, बस आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा। अपने अगर हम यहाँ पे सिल्वर कॉमेक्स को देखते हैं तो जब यहाँ पे डॉलर में एक तेज़ी होने की चांसेस बनी, उस समय यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे करके गिरावट होने के चांस रहे हैं। मैंने यहाँ पे शायद ये वीडियोस जब भी शेयर किया था मॉर्निंग के टाइम में, वीकली एनालिसिस में, ओवरऑल कंडीशंस में, तो आप यहाँ पे दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं, जैसे सिल्वर का जो मेगा है अगर उस कंडीशन को आप देखते हो तो इसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट किया है। सेकेंड अगर आप माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो में जैसे 27.9 या फिर 28 के आसपास का रेंज बना रखा था, उसको इसने हिट किया है। अब उसके बाद में एक सडन डाउन मूव आया है, और डाउन मूव आने के लिए अब इसके लिए दोबारा से जो रेंज का फॉर्मेशन था, ये एज ए इसको सपोर्ट का काम करेगा। फ्रेंड आप लोगों को अगर रेगुलर बेस से अपडेट चाहिए तो आप इन सभी कंडीशन पर वॉच करेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ लर्निंग मिल सकती है। आपको कंडीशन रखनी है आवरली, 4 आवरली और डेली, फिर वहाँ से आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको दो कंडीशन आप लेके चलते हैं, एक आप
डॉलर इंडेक्स को ले ले, दूसरा आपको कॉमर्स के साथ में एमसीएक्स को कंसीडर कर ले। तो उस विषय में अगर आप देखते हो जब भी वो तीनों में कुछ भी आपको ऐसा पैटर्न बनता हुआ देखें जो एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फेवर में चलता हुआ दोनों अगेंस्ट में चलेंगे बेटर। अगर दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और जब भी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो मैक्सिमम टाइम में हमने यही अभी तक जो ऑब्जर्व किया आपके साथ, रेगुलर वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, तो उन सभी में अगर आप देख रहे हो तो अगर डॉलर इंडेक्स में कुछ तेज़ी रहती है तो सिल्वर में गिरावट रहती है, क्योंकि इसको एज ए जो इन्फ्लेशन का बात कर लें या फिर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, लगातार डेली अपडेट्स हो रही, उन सभी के बीच में एक हेजिंग करके लोग अपना रिस्क को मैनेज करते हैं, इस वजह से यहाँ पे अच्छे मूवमेंट रहते हैं। अब इन सभी के बीच में अगर आप कंडीशन देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये दोबारा से ऐसे जोन पे क्रिएट किया है कि अगर ये 27.6 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट होगी। ऑलरेडी ये 0.3 पॉइंट की गिरावट के आसपास बन चुका है, तो ये आपको यहाँ पे अलर्ट रखना है। अब दूसरी कंडीशन अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो जो हम सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, सिल्वर माइक्रो की बात कर लेते हैं, क्या कंडीशन बनी है। सिल्वर मिनी और माइक्रो को ओवरऑल अगर आप देखते हो तो सिल्वर मिनी के लिए जो रेंज का फॉर्मेशन था पूरे दिन का, रेंज जब भी रहता है हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, जहाँ पे था मार्केट वहीं पे रहा है, लेकिन ओवरऑल इसने अपना टारगेट दिया है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको रेंज में बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे वन कैंडल नहीं, आपको दो कैंडल में यहाँ पे मोमेंटम मिलने के चांस में, सबसे पहले गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद में इंगल्फ कर लेता है, तो यहाँ एक अलर्ट मिल गया था कि पहला सपोर्ट बनेगा ब्रेकआउट करने के लिए। उसके बाद सेकंड कैंडल जब यहाँ से फॉर्मेशन होती है तब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिलती है जो 80,700 के आसपास से ऊपर निकलने पे इसके लिए बनने वाली थी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे लगभग इसे ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ हाईएस्ट पॉइंट 81,800 का लगाया है, तो 1000 पॉइंट की रैली में से आप 300-400 पॉइंट बहुत ईजी था, इवन अगर आप कैप्चर करते तो 500 पॉइंट भी बहुत ईजी वे से ले सकते थे। उसके बाद में यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन होता है, दोबारा से ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 80,000 जिसके लिए 700 का लेवल है, 750-700 ये रेंज बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर दोबारा से इसमें एंट्री करेगा तो कहीं ना कहीं वीकनेस दोबारा से मार्केट में आने वाली रहेगी। और इसका टॉप देखते हैं और इस कैंडल का बॉटम देखते हैं, लगभग सेम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जस्ट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मार्क कर लेता हूँ, बैक साइड में अगर आप देख रहे हो तो ये सारे इसी के अराउंड में ट्रेड किए, तो सपोर्ट इसे वर्क करता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कितने पॉइंट्स चाहिए, किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी वो देखना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न का ओवरऑल कंडीशन रहा है, रेंज के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड किया है, दोबारा से एक सपोर्ट जोन जो इसके लिए बना हुआ है, ये जोन एज इट इज़ इसके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। मार्केट इसके ऊपर निकला है तो फर्स्ट यह सपोर्ट का लेवल का काम करेगा, सेकेंड सपोर्ट बहुत इमीडिएट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 80,400 का लेवल यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ही बना के गया है। ओवरऑल कंडीशन मार्केट के लिए थोड़ी अप ट्रेंड टू साइडवेज होने के चांसेस बन रहे हैं। अभी एक दिन यहाँ पे और टाइम बिताता है, उसके बाद में जो यूएस का डेटा अगर कुछ ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है कि आपको जो फेड की मीटिंग होने वाली है सितंबर में, वो कुछ इनपुट मिलेगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिलेगी और डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इस वजह से ऐसी कंडीशन है। फोर आवर में भी अगर आप देखते हो तो एक नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश किया, लेकिन उससे पहले इसने अपने टारगेट्स को हिट किया था, 81,800 का हाई लगाया है। हमारा यहाँ पे कंडीशन था अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 81,500 होता हुआ 82,000 तक का रेंज ये बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ गिरने से पहले इसने 2-4 घंटे की कैंडल बनाई, छोटी छोटी कैंडल्स, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जिन्होंने प्रॉफिट किया उनके लिए वेल एंड गुड है, जिन्होंने अगर यहाँ पे कुछ एंट्री करने का प्लान करना है उनको, तो उनके लिए स्टॉप लॉस डेफिनेटली ये रेंज होनी चाहिए। अगर आप इतना रेंज ले सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस तो आप डेफिनेटली प्लान करिए, अदरवाइज मार्केट एक अच्छे ट्रेंड और अच्छे मूड के लिए रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन थी, ये जो कैंडल फॉर्मेशन किया था अगर इसका फॉलो पाता है तो उस डायरेक्शन में जाते हैं। इस कंडीशन में दोनों साइड के लिए ओपन रहना होता है जनरली, जो मैक्सिमम टाइम पे होता है, ऐसा नहीं 100% होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा करता है। तो इसका फॉलो अप आया और हाई साइड में निकला है, साथ में एक कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली में बनता हुआ देखने को मिल रहा था, मैं अगर उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कैंडल देख रहे हैं कि यहाँ से ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में हाई साइड क्लोज किया था, उसके बाद में जो आज की ओपनिंग होती है गैप डाउन होती है लेकिन सपोर्ट लेवल के बाद होती है, और फिलहाल के लिए एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वीकली में एज इट इज ट्रेंड नेगेटिव है, बट अगर हम जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग कंडीशन है, वहाँ पे हमें एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद में लगभग 3 दिनों की कैंडल को हम वॉच करते हैं तो एक पॉजिटिव होप यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब स्लो एंड स्टडी ये हायर साइड की रैली करता है, तो 82,000 और 82,400-85,000 ये होता हुआ
आपको आने वाले दिन में हो सकता है 83,400 तक का रेंज भी देखने को मिले, लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यू इसको बने रहना चाहिए 80,400-80,500 लेवल यहाँ पे जो बना हुआ है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्निंग में फोकस करिए, अर्निंग पार्ट ऑफ लर्निंग रहता है। थैंक यू।